अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मुफ्ती सैयद फहीम, आपका इस व्लॉग में स्वागत है, इस्तकबाल है। आइए, आज मैं मदरसा इस्लामिया जामिया इस्लामिया अलकौसर के अहाते में ठहरा हुआ हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बहुत बेहतरीन एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आज हज़रत मौलाना शाह जमालुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुम, जो मदरसे अलकौसर के नाज़िम आला हैं, वो तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो उनका इस्तकबाल कैसे होगा वो भी इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह से मदरसे के लिए एक बोरवेल डलवाया गया है, जो अब्दुल बासित साहब जो कोट कदरा के हैं, जो हज़रत के मुरीद हैं, उनके भाई की जानिब से, उसका भी इफ्तिताह इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगा हज़रत शाह जमालुर्रहमान साहब दामत बरकात उनके हाथों। और इसी तरह से मस्जिद के मुसल्लियों के लिए शकील साहब ने, मोहम्मद शकील साहब जो यहाँ महल्ला शाह साहब गुट्टा के सोशल वर्कर हैं, बहुत मुतहर्रिक रहते हैं दीनी कामों में, समाजी कामों में, उन्होंने मस्जिद के लिए एक वाटर कूलर नसब किया है, उसका भी इफ्तिताह होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह से मोहल्ले के ही एक साहब ने मदरसे के बच्चों के लिए एक वॉशिंग मशीन दिलवाई है, जिनका नाम है जुनैद, जो अब्दुल कदीर साहब जो मदरसे के पड़ोसी हैं, उनके भांजे हैं, उन्होंने एक वॉशिंग मशीन दिलाई है, उसका भी मुआयना मैं आपको कराऊंगा। मदरसे के अंदर दरख्त लगवाए गए हैं, पौधे लगवाए गए हैं, बहुत सारे बहुत सारे, मैं आपको उसकी भी वीडियो बताऊंगा। और हजरत ने उसका भी एक इफ्तिताही तौर पे एक पौधा नसब किया है, एक पौधा लगाया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये पौधे और ये जो दरख्त हैं, वो यहाँ के मुकामी काउंसलर साहब अमजद साहब और रियाजुद्दीन अमजद साहब, और इसी तरह से मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब रशीदी जो मक्थल के हैं, उनकी तरफ से ये हदिया किया गया है मदरसे अलकौसर के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
Oh.